दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं एक देश के बड़े नेता के इंटरव्यू के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनके आरएसएस के बारे में क्या विचार, वो आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते, पंडित जवाहरलाल नेहरू आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते, गांधी जी आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते, सरदार पटेल आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते। और ये वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई वर्षों लड़ी और अपने अनुयायियों के साथ देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो बड़े नेता कौन थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों ये आप आज से करीब 30 साल पुरानी बात है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ताऊ देवीलाल का मुझे एक बार साक्षात करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये साक्षात्कार मैंने फरीदाबाद के होटल डिलाइट में शायद 1995 के आसपास लिया था, यदि मैं भूल नहीं कर रहा इसी के आसपास। तो जब मैं उनसे साक्षात्कार ले रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा आरएसएस और भाजपा की बुराई क्यों करते हैं, उनसे क्यों खुंदक खाते हैं, क्यों आपको आरएसएस और भाजपा पसंद नहीं है। तो ताऊ देवीलाल ने मुझे बताया था कि इन आरएसएस वालों का देश की आजादी में 1% भी कोई योगदान नहीं रहा, देश को आजाद कराने में दशकों में सैकड़ों हजारों आजादी के दीवाने लड़ा के मौत की गोद में समा गए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, उनमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु और उनके सारे साथी भी शामिल हैं जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो दोस्तों उन्होंने मुझे जो बताया, उनका कहना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 20 बार जेल गए, 20 बार जेल गए अंग्रेजों ने, उन्होंने उनको 20 बार जेल में ठोसा अंग्रेजों का विरोध करने पर, और लगभग शायद 14 साल वो जेल में रहे, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। इसके अलावा गांधी जी, दोस्तों गांधी जी का भी एक बड़ा इतिहास है जो हमारी नई पीढ़ी है शायद वो जानती नहीं है नेहरू गांधी के बारे में। और जो हरियाणा के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कि गांधी जी कई बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते जेल गए, उनको कितने ही बार अंग्रेजों ने जेल में ठूसा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे और जेल जाते रहे। दोस्तों एक मैं अब बात थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं कि
10 अप्रैल अमृतसर जाते समय गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वापस बंबई भेज दिया गया। 10 मार्च 1922 को यंग इंडिया में 3 लेख लिखने के कारण साबरमती आश्रम के पास से गिरफ्तार किया, 6 साल की जेल सुनाई। 5 मई 1930 रात 12:45 पर नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दांडी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। 4 जनवरी 1932 को सुबह 3 बजे बंबई में गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाला गया और 8 मई 1933 को जब उन्होंने अनशन शुरू किया तो शाम 6 बजे उनको रिहा किया। 1 अगस्त 1933 को भी आंदोलन करते हुए बंबई में उन्हें गिरफ्तार किया और 4 अगस्त को सुबह 9 बजे रिहा भी कर दिया। भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में जेल में रखा और 6 मई 1944 8 बजे बिना शर्त के रिहा भी कर। मतलब इस तरीके की और बहुत सारी घटनाएं। तो ताऊ देवीलाल कहते हैं कि जो ये आरएसएस वाले हैं देश की आजादी की लड़ाई जब पूरा देश लड़ रहा था तो ये कांग्रेस का साथ दे रहे थे। यानी जब पूरा देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहा था तो ये आरएसएस वाले अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यानी ताऊ देवीलाल कहते हैं कि जिस नेहरू गांधी ने सरदार पटेल ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष में बिताया, जेलों में बिताया, उसकी ये आरएसएस वाले आज बुराई करते हैं। भाजपा वाले नेहरू गांधी सरदार पटेल को गालियां देते हैं। आजादी की लड़ाई में सैकड़ों हजारों या लाखों भी कह सकते हैं भारतीयों ने संघर्ष किया, जेलों में गए और इनमें हजारों लोग काल के गाल में समा गए अंग्रेजों से देश को आजाद कराते कराते। लेकिन दोस्तों हमारी नई पीढ़ी शायद इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती कि इन नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने देश की आजादी के लिए या कांग्रेस के साथ साथ बहुत हजारों अनाम नेताओं ने देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां। लेकिन जो आज भाजपा के नेता है, देश के प्रधानमंत्री, ये जो पानी पी पी कर कोसते हैं नेहरू गांधी खानदान को या आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को, तो किस मुंह से। ये तो मैंने उदाहरण दिया ताऊ देवीलाल के साक्षात्कार का कि वो जिंदगी भर आरएसएस का विरोध क्यों करते हैं। और आज भी देश की आजादी के बारे में भक्तों की या नई पीढ़ी की जिसको इतिहास के बारे में वर्ग लाया गया है असली जानकारी नहीं दी गई है,
उनको नेहरू गांधी को गाली देना सिखाया गया है कि इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। और जो आज के भाजपा के भक्तों की जो सोच है उनमें मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि हाल ही में जो कंगना रनौत फिल्मी हस्ती है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, मैं भी उनके अभिनय का कायल हूं, लेकिन मैं उनके इतिहास के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उस पर मुझे एतराज है जब वो ये कहती हैं कि भारत तो 2014 में आजाद हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस वालों की, भाजपा की या भक्तों की जो सोच है वो निराधार। भाजपा के नेताओं का देश की आजादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा, और जो पानी पी पी कर आज भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कोई और बड़े नेता हो, चाहे आरएसएस के नेता हो, जो पानी पी पी कर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को गालियां देते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, तनिक भी शर्म नहीं आती कि देश की आजादी दिलाने वाले नेताओं को वो क्यों गाली देते हैं। और दुख इस बात से होता है कि जो यंग इंडिया है, जो बड़ा हिस्सा है, वो इतिहास नहीं जानना चाहता कि आरएसएस की क्या गतिविधियां आजादी के आंदोलन में रही और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया जिससे कि भारत आजाद ना हो सके। तो दोस्तों, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना और गलत तरीके से उसकी व्याख्या करना, उस पर झूठ बोलना, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, प्रधान सेवक हों, चाहे उनके समकक्ष भाजपा के बड़े नेता हों, वो बहुत देर तक असली इतिहास को छिपा नहीं सकते। और मेरा अनुरोध है भाजपा के भक्तों से, आरएसएस के भक्तों से, मोदी जी के भक्तों से, कि उनको आजादी का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। कंगना रनौत आदरणीय सांसद भाजपा को भी आजादी का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने एक बात कही कि कंगना रनौत बहुत बेहतरीन अदाकारा है, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में या आजादी के आंदोलन के बारे में, भारत कैसे आजाद हुआ, कितनी कुर्बानियां दी और कितने वर्षों लोगों को जेलों में रखा गया, इसका उन्हें 0% भी ज्ञान नहीं। मैं ये तो नहीं जानता कि वो पत्र कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों को पलट के तो देख सकती है ना। सारा देश हंसता है उनके इस बयान में कि देश तो 2014 में आजाद हुआ जब मोदी जी ने सत्ता संभाली। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था और बताने का कि जो देश के पुराने नेता हैं उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियां रही, और देश के उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल
जैसे बड़े किसान नेता, हरियाणा के बड़े किसान नेता, देश के बड़े किसान नेता, देश के प्रधानमंत्री क्या विचार रखते थे और उनके विचारों को देश के लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए कि वो आरएसएस का विरोध क्यों करते थे। और इसके अलावा हरियाणा में विशेष रूप से जो कांग्रेस के नेता हैं, अन्य दलों के नेता हैं, उनको भाजपा नेताओं, आरएसएस नेताओं को ट्यूशन देना चाहिए कि भारत कैसे आजाद हुआ, और उन्हें बताना चाहिए कि देश की आजादी में तुम्हारी भूमिका कितनी नकारात्मक। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, और मैं ये बताना चाहता था कि देश के महान नेता ताऊ देवीलाल के आरएसएस और भाजपा के बारे में क्या विचार थे, और वो कितना बुरा मानते थे जब भाजपा और आरएसएस के नेता नेहरू, गांधी की बुराई करते, उन्हें गालियां देते, और उन्होंने जो कुर्बानियां की थी उसको वो छिपाते, इतिहास को गलत बताते। तो दोस्तों, जो ताऊ देवीलाल ने कहा मेरे साथ साक्षात्कार में, वो एक बड़ा बयान था, बड़ा साक्षात्कार था, और देश के लिए एक बड़ी सीख थी कि जो लोग भाजपा के और आरएसएस के दीवाने हैं, भक्त हैं, ताऊ देवीलाल के उस साक्षात्कार में एक संदेश छिपा है कि आप उन असली लोगों को जानो जिन्होंने देश को आजाद कराया, नकली लोगों को नहीं, जिनका देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं रहा, बल्कि जिन्होंने आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया कि जिससे कि भारत आजाद ना हो सके। लेकिन बावजूद आरएसएस के विरोध के लाखों लोगों की कुर्बानियों से देश 1947 में आजाद हुआ, और आज हम 75 साल से ज्यादा साल हो गए हम आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और पढ़े लिखे वर्ग को इतिहास को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि कैसे ताऊ देवीलाल ने मुझे एक साक्षात्कार में आरएसएस के बारे में अपने विचार बताए। तो देखते रहें देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।